डॉक्टर मोहन यादव, कैबिनेट ने फैसला किया है कि लोकतंत्र सेनानियों का अंतिम संस्कार राजकीय सम्मान के साथ किया जाएगा। अंतिम संस्कार के लिए सरकार की ओर से 10,000 रुपये परिजनों को दिए जाएंगे। मोहन कैबिनेट ने ई कैबिनेट को मंजूरी देते हुए वित्त विभाग में पीएमयू के गठन को स्वीकृति प्रदान की है। नगरीय विकास मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने कैबिनेट के फैसलों की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि अलग अलग विभागों की कार्य आवंटन व्यवस्था में बदलाव को मंजूरी दी गई है। तकनीकी का अधिकतम उपयोग कर पारदर्शी सरकार चलाने के लिए ये बदलाव किया गया। सरकार ने तय किया है कि ई कैबिनेट व्यवस्था लागू होगी। इसके अंतर्गत पेपरलेस व्यवस्था होगी। उन्होंने कहा कि ग्रीन स्टेट की ओर एमपी बढ़ रहा है। कागज का कम से कम उपयोग किया जाएगा। ई कैबिनेट के लिए ई गवर्नमेंट ई गवर्नेंस लागू की जाएगी। 15 अगस्त हमारा स्वतंत्रता दिवस है और स्वतंत्रता दिवस को बहुत धूमधाम से मनाना चाहिए। नई पीढ़ी में यह एहसास होना चाहिए कि स्वतंत्रता हमको बहुत सारे बलिदानियों के कारण प्राप्त हुई। तो उन बलिदान स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के प्रति अपना आदर समर्पित करते हुए हम इस 15 अगस्त को मनाएंगे और जितने भी क्रांतिकारियों की प्रतिमा है उनको सजाना, उनको धोना। अभी जीवित स्वतंत्रता संग्राम सेनानी है, लोकतंत्र के सेनानी, उनका सम्मान करना, ये सब इस कार्यक्रम के अंतर्गत होगा। 10 अगस्त फिर से बहुत महत्वपूर्ण है। हमारी लाडली बहनाओं को 1250 तो मिलेंगे पर साथ में राखी का उपहार 250 रुपये और मिलेगा। इस प्रकार 1500 रुपये मिलेंगे और इसमें सरकार का लगभग 1900 करोड़ की राशि एक बटन दबाने से हमारी प्रदेश की बहनों के खाते में जमा हो जाएगी। हमारे जितने भी आदिवासी छात्रावास से अनुसूचित जाति जनजाति पिछड़े वर्ग के छात्रावास हैं, ये छात्रावास की सुविधाएं अपग्रेड हों इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने आदेश दिए हैं। एक कुछ अधिकारियों की टीम बनाई और सारे प्रदेश में जितने भी इस प्रकार के छात्रावास है उनकी सुविधा अपग्रेड करने के लिए क्या क्या किया जा सकता है उसकी एक रिपोर्ट भी मंगाएंगे। उसके लिए बजट से उनकी राशि भी प्रदान करेंगे। आज एक और महत्वपूर्ण घोषणा, आप सभी जानते हैं कि हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी ने जैसे ही शपथ ली थी, शपथ के बाद किसानों की एक सबसे बड़ी समस्या होती है सीमांत ना होने का, इसकी बहुत बड़ी समस्या थी। उसको पहले उन्होंने 1 महीने का समय दिया था, इस बार फिर 1 महीने का समय दिया है और बहुत सारे नामांकन बंटवारे के जो प्रकरण है वो एकदम निराकरण हो रहे हैं। अब साइबर तहसील चालू करने का भी निर्णय हो गया है। अभी तक नामांतरण की प्रक्रिया में बंटवारे की प्रक्रिया में 75 दिन लग गए थे। जैसे ही ये साइबर तहसील पूरे प्रदेश में चालू हो जाएगी ये 25 दिन के अंदर 30 दिन के अंदर सारे प्रकरणों का निराकरण हो जाएगा। रक्षाबंधन पंचायत स्तर तक हमारी बहनों के बीच में जाए हम और रक्षाबंधन का पर्व मनाए, आपस में एक दूसरे के चर्चा के माध्यम से सुख दुख का बंटवारा करें और रक्षाबंधन भी बहुत धूमधाम से मनाने का निर्णय लिया गया है। आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की थी जितने भी हमारे लोकतंत्र सेनानी हैं, आप सभी जानते हैं कि इस देश में प्रजातंत्र की हत्या हुई थी 25 जून को जब आपातकाल लगा था और सारे देश को जेल बना दिया था श्रीमती इंदिरा गांधी ने। ये सब लोग जो आज प्रजातंत्र की दुहाई देते हैं उन लोगों ने ही प्रजातंत्र की हत्या की थी। उस समय पूरा देश जेल बन गया था और बहुत सारे उसमें से निरपराध लोग 24 महीने जेल में रहे, 18 महीने जेल में रहे, उनको लोकतंत्र सेनानी के उपाय उसके नाम से सम्मानित किया गया था। देखिए हमारा प्रदेश एक प्रोग्रेसिव प्रदेश है और जिस तरीके से लगातार एक डायनेमिक तरीके से व्यवस्थाओं में परिवर्तन हो रहा है, तकनीक की आ रही नहीं, कभी किसी ज़माने में आईटी का इतना उपयोग नहीं होता था, आजकल आईटी का उपयोग होता है, उस हिसाब से अब हमारे कार्य आवंटन में भी उन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए अभी हमने अलग अलग विभागों के कार्य आवंटन की व्यवस्था को सुधारा है, परिवर्तन किया है जिससे कि और तेज गति से काम हो सके। हमारा प्रदेश सुधारवादी
देश है और हम तकनीकी का अधिकतम उपयोग कैसे करके एक पारदर्शी सरकार चलाएं, जिसका कि हमारे देश के प्रधानमंत्री हमेशा कहते हैं डेमोक्रेसी में पारदर्शी सरकार का होना बहुत जरूरी है। तो तकनीकी के माध्यम से जो पारदर्शी सरकार चलाने का हमारा प्रयास है, जैसे मैंने कहा कि पहले कभी एक प्रधानमंत्री जी हुआ करते थे राजीव गांधी जी, उनका 1 रुपया भेजते हैं, 15 पैसे भेजते हैं। अब 10 तारीख को 1900 करोड़ रुपए का बटन दबा लिया हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री और 1900 करोड़ रुपए हमारे बहनों के खाते में पहुंच जाएगा।